अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, और कुछ प्रिकॉशंस है रेडिएशंस के हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का बिल्कुल रिवर्स है। वहाँ हमने देखा था कि एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आप फॉल करवाते हैं, वो दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और कुछ एटॉमिक पार्टिकल भी इमिट होते हैं उस रिएक्शन में, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो उसको हम यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूज़फुल मतलब पॉजिटिव मैनर के अंदर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कंट्रोल वे में उसको चला के। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये फ्यूजन रिएक्शन है। यहाँ पर दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म एन हैवी न्यूक्लियस हैवियर न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें ये होगा कि देखिए, दो न्यूक्लियस दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन। जहर सी बात, उनको मर्ज करना जो है ना वो आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जो कि नॉर्मली एवरीडे लाइफ में आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 10 लाख सेंटीग्रेड चाहिए दो न्यूक्लियस को मर्ज करने के लिए, तो अर्थ के ऊपर जो है ना वो इतना ईजी नहीं है उसको प्रोवाइड करना। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है फ्यूजन रिएक्शन, ये हमारे जितने भी स्टार्स हैं, जैसे हमारा होम स्टार जिसे हम सन बोलते हैं, उसकी सरफेस पे ये होते हैं, उसकी कोर के अंदर होते हैं, उसकी कोर के अंदर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 लाख सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पर वो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो वहाँ पर गैस आयनाइज फॉर्म में होती है, मतलब प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करता है और हीलियम में कन्वर्ट होता है और साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है, और वही एनर्जी हम तक पहुँचती है डेली, जो हम रोशनी और लाइट जो हमें मिलती है, हीट और लाइट जो आती है हम तक। तो यहाँ देखें दो आइसोटॉप दिखाए गए हैं हाइड्रोजन के, H12 और H13, ये दोनों मर्ज होंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर और HE24 बनाएंगे, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी इमिट होगा और एनर्जी। तो ये इसका यानी फ्यूजन रिएक्शन की एग्जांपल है ये। उसके बाद ये पिक्टोरियल वे भी दिखाया हुआ है इसका, देखें ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक नया न्यूक्लियस बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है और एक न्यूट्रॉन भी इमिट हो जाता है। तो ये सूर्य से जो डेली रोशनी और हीट हम तक पहुंचती है, ये इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से पहुंचती है। और सूरज हर सेकंड में 4 मिलियन kg मास अपना लॉस करता है। मींस मैं आपको सिंपली अगर रफली उसका बताऊं तो वो एक सेकंड के अंदर जो उसकी कोर में रिएक्शन होता है उसमें 60 मिलियन हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, और 60 मिलियन हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है तो उसके बाद फिर 56 मिलियन हीलियम बनता है उस रिएक्शन के दौरान, और 4 मिलियन जो मास है बीच में फ़र्क आ गया जो, वो 4 मिलियन kg एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है लाइट और हीट की शक्ल में, वो इमट हो जाता है सूर्य की सरफेस से, वो हम तक पहुंचता है। तो मींस कि वो पूरे सोलर सिस्टम के लिए ही लाइट प्रोड्यूस करता है, इवन बाकी जो स्टार्स हैं हमारे गलेक्सीज के अंदर या हमारी गलेक्सीज के बाहर के भी जो हैं उन सब पे भी यही है, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन करती है और हीलियम बनता है, आगे फर्दर उसकी कोर डेंस होती चली जाती है और बहुत बड़ी अमाउंट में जो है ना वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इस रिएक्शन की वजह से जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टार्स के ऊपर, और हाइड्रोजन जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ होता है। जब तक स्टार के पास ये चीज़ मौजूद है, प्रोटॉन्स मौजूद हैं, मीन्स हाइड्रोजन न्यूक्लियस मौजूद है, तब तक ये रिएक्शन चलेगा और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी। यहाँ बताया गया है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ होते हैं हीलियम बनाते हैं, तो कितनी एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं 25.7 MeV एक रिएक्शन पे, एक दो दो न्यूक्लियस के मिलने से ये एनर्जी रिलीज होती है। अब मैंने आपको बोला कि 60 मिलियन और फिर वापस भी बचता 56 मिलियन बनता है और 4 मिलियन kg जो है बीच में वो लॉस हो जाता है। 4 मिलियन मींस के 40 लाख किलो जो मास है सन अपना लॉस कर देता है एक सेकंड के अंदर। अच्छा देखिए, नेक्स्ट ये हैजर्ड्स और रेडिएशंस हैं और सेफ्टी मेजर्स हैं, यानी हम रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो लेकिन उनका जो डैमेज है वो भी बहुत ज़्यादा अगर हम उसको प्रिकॉशंस के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मटीरियल्स हैं वो वाइडली यूज़ होते हैं, खासकर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर और दूसरा सबमरीन के अंदर, और बाकी जो ब्लास्टिंग मिसाइल्स वगैरह जो चीज़ें हैं, वेपन्स वगैरह वहाँ यूज़ होती हैं चीज़ें, तो इनकी जो इनकी जो रेडिएशंस हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग और उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत स्लोली ग्रो करता है, तो इस वजह से डायरेक्ट उनकी प्रेजेंस का हम पता नहीं चला सकते,
इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है ना इनकी इनका जो यूज़ है वो विद प्रिकॉशन ही करें। तो पहले देखें जो पॉइंट लिखा गया है, रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू बीटा गेमा रेडिएशन विच मे कॉज रेडनेस एंड सॉर्स ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि रेडिएशन जो है ना वो बर्न कर देती हैं इंसानी स्किन को ड्यू टू बीटा और गेमा रेज, वो आके स्ट्राइक करेंगी तो आपकी स्किन रेड कन हो जाएगी और वो यानी कि बर्न होने लगेगी। उसकी दूसरी बात ये है कि रेडिएशन अगर आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो चुकी हैं तो आपकी बॉडी में ये एबिलिटी नहीं होगी कि आप फर्दर जो है ना वो ह्यूमंस को प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो जेनेटिक्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी और आपसे अगले जो इवन के वो प्लांट्स में भी है, यानी आगे जो आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी सीरियसली डिफॉर्म, यानी उनमें बहुत सारी इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि नॉर्मली नहीं होते एक इंसान के अंदर। तीसरा चौथा जो है वो ब्लड कैंसर्स के रीज़न बनते हैं, और पांचवा जो है ना ब्लाइंडनेस और बाकी आंखों की इरिटेशन भी होती है, जिसे हम सफ़ेद मोती और काला मोतिया कहते हैं। तो ये कुछ रेडिएशंस की जो इफ़ेक्ट्स हैं ये हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करेंगे रेडिएशन के सामने। अब नेक्स्ट ये कुछ वाक्य लिखा हुआ है, ये रशिया के अंदर एक सिटी चर्नोबेल था, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एक्सप्लोड हो गया था, तो उस कंक्रीट सारी उसकी टूट गई और सारा जो मटेरियल था वो हवा में शामिल हुआ, तो जिस वजह से बहुत बड़ी अमाउंट में जो रेडिएशन थी वहाँ पर वो एनवायरनमेंट में शामिल हुई और उसके नतीजे में वो सारा इलाका जो है ना वो खाली करना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट हुई वहाँ से, फिर वो लोग अपनी घरों को चीज़ों को छोड़ के यहाँ से फिर मूव किए, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी डॉलर्स का, वेजिटेशन का भी, लाइफ स्टॉक जो यहाँ पर वहाँ पर मौजूद था वो वैसे ही छोड़ दिया गया, फिर वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो डेफिनेटली रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली तो हम नहीं पता चला सकते, इसलिए हम उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं कि द सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल्ड विद द टंग एंड फ्रॉड सिप्स, द यूज़र शुड यूज़ रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ऑल रेडियोएक्टिव सोर्सेज शुड बी सॉर्ट स्टोर इन द थिक लेड कंटेनर, नेवर पॉइंट ए रेडियोएक्टिव सोर्स टू अ पर्सन, फ्रीक्वेंट विजिट टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड। पहली बात तो ये कि आप जो है ना उनको हाथ वगैरह फिजिकली टच ना करें, और अगर आपने उनको करने हैं तो फिर ग्लव्स का इस्तेमाल करें और अपने हाथ अच्छी तरह धोएं एक्सपेरिमेंट्स के बाहर, और फिर जो रेडियोएक्टिव सोर्स होता है उसको एक थिन लेड बॉक्स के अंदर रखें, और रेडियोएक्टिव सोर्स को कभी भी किसी एक पर्सन की तरफ ना करें ताकि रेडिएशन डायरेक्टली उसकी बॉडी के ऊपर जाके फॉल ना करें। और दूसरा, ऐसे एरियाज जहाँ पर ये रेडिएशन मौजूद हैं उनका जो विजिट है वो अवॉइड करें। तो ये प्रिकॉशंस हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं इन रेडिएशन की। वैसे तो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारी बॉडी उसको बेयर कर सकती है, लेकिन अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो भी डैमेज करेगी। हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ और हमारे अब शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।